हुसैनपुर हरिजैन परिवार पर हमले में इलाज के दौरान महिला की मौत। बैराट थाना क्षेत्र अंतर्गत आने वाले ग्राम हुसैनपुर में हरिजन परिवार और यादवों में एक सरकारी 1 तारीख को विवाद हुआ, जिसमें हरिजन परिवार को घर में घुसकर पीटा गया, जिसमें हरिजन परिवार के 5 लोग घायल हो गए हैं। डॉक्टर के नए स्थिति पर काबू में ना देखते हुए कुछ को जिला अस्पताल रेफर कर दिया तो कुछ लोगों को ग्वालियर रेफर करना पड़ा। आज इलाज के उपरांत शिव सिंह जाटव की भाभी वैजयंती जाटव ग्वालियर मेडिकल कॉलेज में इलाज के उपरांत 6 दिन बाद दम तोड़ दिया है। परिजनों ने एवं बहुजन समाजवादी पार्टी के नेताओं ने आज थाने में आकर पीड़ित परिवार को न्याय की मांग और निम्न शर्तें रखी है। जानकारी के अनुसार उक्त घटना में पहले यादवों के 4 लोगों पर मामला दर्ज हुआ था। अब विवेचना के बाद 5 लोग और जोड़ लिए गए थे, साथ ही मारपीट की धाराओं के साथ ही हत्या की धारा भी जोड़ दी गई थी। बैराट से धर्मेंद्र शर्मा की रिपोर्ट। राकेश जाटव। कौन से गाँव? हुसैनपुर। क्यों इकट्ठे हुए? झगड़ा हुआ है, मेरी माँ खत्म कर दी। कब की बात है? 1 तारीख और लाठी से मूड कोपरा फोरे के रख दिया, छाती में पत्थर दिया है और मेरे पिताजी में कुलाई दी, मेरे ताऊ में सीताराम और बामन केशव मटरू और लक्ष्मण और धर्मवीर और छोटू यादव सब भाई बंधु संदीप। आप कितने लोगों घायल हुए थे इसमें? बाम हुए 4-5। क्या हाल है? क्या क्या हुआ? किसी के साथ मारपीट की है? आप लोगों जितने भी घायल हुए उनके साथ किसके साथ क्या क्या हुआ? मेरे मुड़ फूट है, खून चला है, मेरी माँ खत्म भाई है और खून ही कर दी है। माँ कब खत्म हो गई? माँ खत्म हो गई कल, इलाज के उपरांत। हाँ, कल की तारीख रिपोर्ट दर्ज हो गई है जी। और अब क्या चाहते हैं? 307 और 302 और बिंडोजर की मांग और वो जमीन आते तिम्बो को। मेरा नाम धनीराम चौधरी है, बहुजन समाज पार्टी से जिलाध्यक्ष हूँ। मुझे घटना के बारे में जानकारी मिली, कब मिली? मेरे को आज ही जानकारी मिली। और आप जो परिजन जब इनके साथ में घटना घटी थी तब आप इनके साथ नहीं थे? नहीं, उस समय मैं बाहर था, मेरे क्या इधर कैडर के में हमारे पार्टी के चल रहे हैं, इसलिए मैं आ नहीं पाया। उस समय मेरी परिवारजन से बात भी हो गई थी, लेकिन ये घटना 1 तारीख को हुई है क्योंकि भाजपा सरकार में अपराधी निरंकुश हैं। और इनके क्या है, हुसैनपुर में 1 तारीख को एक ना कचरा फेंकने की जगह पर, जो ज़्यादा जगह नहीं होगी, कम 5-50 फुट जगह होगी, उस पर से तूल पकड़ करके यादव समाज के लोग हैं, सीताराम यादव है, इसने दबंगीता ही अपनी बता करके और राकेश के परिवार वैजयंती जो महिला है उसको इतना मारा कि उसको बेहोशी हालत में उसको ग्वालियर मेडिकल भेजना पड़ा और उसके बाद में आज उसके मृत्यु हो गई है। इलाज के दौरान जैसे ही मुझे पता चला तो मैं तत्काल आनंद फानंद पुलिस SP साहब से मेरी बात हुई, तो मैंने साहब बोला, मैंने SP साहब से इसमें 302 की FIR तत्काल की था और जो हत्यारोपी हैं, जो सीताराम का जो लड़का है, धर्मवीर है, संदीप है, ये अपनी बाहुबली आज भी बता रहे हैं, इनको धमकियां दी जा रही हैं और बताया कि अगर तुमने 302 की कायमी कर दी तो मैं इनको जान से ख़त्म कर देंगे। भाजपा सरकार अपराध निरंकुश है, आ रहा है ऐसा, 302 की कायमी तो हो चुकी है। हाँ, इजाफा में SP साहब ने बोला है कि अध्यक्ष जी, हमने 1 तारीख जो घटना जो मारपीट का जो मामला हुआ था उसमें उनके खिलाफ 323 से 324 का मामला दर्ज कर दिया था, लेकिन 302 की FIR इजाफा करके 302 की FIR दर्ज कर दी गई है और भरोसा विश्वास दिलाया है कि कुछ 2 लोगों को तो राउंड अप कर दिया है, पुलिस ने पकड़ लिया 2 लोगों को, गिरफ्तार कर लिया है, लेकिन बहुजन समाज पार्टी की हमारी जो मांग है कि तत्काल हत्यारोपियों को तत्काल 24 घंटे के अंदर गिरफ्तार किया जाए। अगर 24 घंटे में गिरफ्तार नहीं किया गया तो बहुजन समाज पार्टी बड़े पैमाने बांध करने के लिए विवश होगी और ये हमारी पार्टी की मांग है। पीड़ित परिवार को शस्त्र लाइसेंस तत्काल दिया जाए और सुरक्षा गार्ड के लिए मैंने SP साहब के लिए अभी पत्र लिखा है और SDP साहब जो अभी भदौरिया से मेरी बात हुई है उनको मैंने आवेदन दे दिया है गया है। और सुनने में आ रहा है कि जो परिजन है उनकी मतलब खान पीने की व्यवस्था भी ठीक नहीं है, आर्थिक रूप से कमजोर है, तो अब तक बहुजन समाज पार्टी ने अभी तक उनके लिए क्या मतलब सहायता दे चुके हैं?
बहुजन समाज पार्टी एक अनुशासित पार्टी है और बहुजन पार्टी पीड़ित परिवार के लिए हर दम खड़ी रहती है, उनके लिए भरण पोषण के लिए व्यवस्था कराती है। जिला प्रशासन आप तो आज आए हो ना? जी जी, घटना तो ये बहुत पुरानी है। पुरानी तो नहीं है, नई है घटना, जी कोई पुरानी घटना नहीं है। मैं लड़ाई कब हुई थी जी? 1 तारीख को घटना घटी है और आज कल रात में बेयंती जाटव की इलाज के दौरान ग्वालियर मेडिकल कॉलेज में मृत्यु हो गई है और जैसी जानकारी मिली हमने कार्यकर्ता को वहाँ भेज दिया गया। इनके 6 लोग घायल हुए हैं, एक रामेश की जाटव की तो उंगली भी कट गई है। आप पीड़ित परिवार के लिए क्या चाहते हैं? हम पीड़ित परिवार को हम न्याय दिलाना चाहते हैं कि, और जिला प्रशासन से मैं कल कलेक्टर महोदय से बात करूंगा चौधरी साहब से, कि पीड़ित परिवार को आवासीय पट्टा दिया जाए, सस्ते राशन से दिया जाए सुरक्षा के लिए, और उनके लिए 50 लाख रुपए की बहुजन पार्टी मांग करती है, ऐसा मैंने उसमें लिखा हुआ है।